हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पार्कल एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे मैंने अलग अलग टॉपिक से लिए हैं। जैसे 5 क्वेश्चन यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से लिए हैं और 10 क्वेश्चन मैंने एंटोनियम सिनोनियम से और 5 ईडियम्स। तो इस प्रकार हम यहाँ पर 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसको आप सबसे पहले खुद ही करना, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। शुरू में मैंने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स लिखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, आई एग्री डैश योर प्रपोजल। तो इसमें आपको भरना है यहाँ पर कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ हम करेंगे। तो देखिए, एग्री के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि एग्री के बारे में, एग्री के साथ हम 3 प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं, एग्री विद और एग्री टू और एक होता है एग्री, एग्री के साथ एक ऑन भी आती है, ठीक है, एग्री ऑन। तो ये 3 प्रपोजिशन आती है जनरली एग्री के साथ। अगर बात चल रही हो, एग्री का मतलब होता है सहमत होना, अगर बात चल रही हो व्यक्ति से सहमत होने की तो एग्री विद, यानी किसी व्यक्ति से सहमत होने की बात चल रही हो तब वहाँ पर यूज करेंगे एग्री विद। अगर बात चल रही है किसी बात पर या किसी मुद्दे पर सहमत होने की तो वहाँ पर आएगा एग्री ऑन, वहाँ पर आएगा एग्री ऑन, यानी किसी बात या मुद्दे पर सहमत होने की बात चल रही है तो वहाँ पर एग्री ऑन। लेकिन अगर विचारों पर या किसी के व्यूज़ पर यानी विचारों पर सहमत होने की बात चल रही है तो वहाँ पर यूज करेंगे एग्री टू का। यहाँ पर भी वही हो रहा है कि प्रपोजल यानी किसी के व्यूज़ विचार से रिलेटेड है, तो यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर टू का यूज़ करेंगे, एग्री टू योर प्रपोजल, ठीक है। तो यहाँ पर एग्री टू का यूज करेंगे, यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा सी। चलिए आगे देखते हैं, एज सून एज ही रिसीव्ड द कॉल, जैसे ही उसने कॉल को रिसीव किया, डैश द हॉस्पिटल ही लेफ्ट द होम। इसमें आपको बताना है कि इसमें क्या प्रपोजिशन आएगी। देखिए, उसने कॉल को रिसीव किया, लेकिन कॉल जो आई थी कहाँ से, हॉस्पिटल से, तो हॉस्पिटल से कॉल की गई थी उसे, तो वहाँ इस सेंस में हम यूज़ करेंगे फ्रॉम का, यानी एज सून एज ही रिसीव्ड द कॉल फ्रॉम द हॉस्पिटल, यानी जैसे ही उसने हॉस्पिटल की कॉल को रिसीव किया, ही लेफ्ट द होम, उसने घर को छोड़ दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आएगी फ्रॉम द हॉस्पिटल, तो यहाँ पर आएगा फ्रॉम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वाइल ट्रेवलिंग टू बेंगलोर आई रन डैश ए वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। तो इसमें आपको बताना है आंसर क्या रहेगा। देखिए, आंसर इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर डी, रन इनटू, रन इनटू, रन इनटू का मतलब होता है अचानक मिलना, यानी अचानक से मुलाकात होना, अचानक मिलना, उसके लिए यूज़ करते हैं रन इनटू का। तो यहाँ पर सेंस आप देख सकते हो कि वाइल ट्रैवलिंग टू बेंगलोर, के बेंगलोर की यात्रा के दौरान आई रन इनटू, मेरी मुलाकात हुई या मैं मिला ए वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, मतलब मेरे पुराने मित्र से, तो यहाँ पर आएगा रन इनटू, ठीक है। आगे देखते हैं, आई विल लीव ऑस्ट्रेलिया बिफोर 3 मंथ्स, और आगे डैश यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें आपको बताना है कौन सा आंसर रहेगा। देखिए, बिफोर यहाँ पर, देखिए बिफोर का यूज कंजंक्शन के रूप में किया गया है, तो कंजंक्शन के रूप में अगर बिफोर का यूज किया जाए तो दो चीज़ होती है इसके बाद, या तो इसके बाद पास्ट, सिंपल पास्ट का यूज करेंगे, मतलब प्रेजेंट, सॉरी पास्ट परफेक्ट की बात चल रही हो तब, है ना, मतलब इससे इसके पहले पास्ट परफेक्ट और इसके बाद बिफोर के बाद आएगा पास्ट, यानी सिंपल पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है विल, यानी फ्यूचर लिखा हुआ है, अगर बिफोर के पहले फ्यूचर हो तो इसके बाद में आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अगर फ्यूचर के पहले, सॉरी बिफोर के पहले फ्यूचर हो तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, और देखिए अगर यहाँ पर फ्यूचर है तो पास्ट का यूज़ तो इसके बाद होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन भी काट सकते हो ए और बी, क्योंकि इसमें वुड का यूज हुआ है जो कि पास्ट में होता है, और कंजंक्शन के बाद कभी भी फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते हैं, तो इस प्रकार से आप डी भी काट सकते हो, चाहे कोई भी कंजंक्शन हो, इफ हो, बिफोर हो, अनटिल, अनलेस, है ना, इनके बाद कभी भी फ्यूचर टेंस का यूज नहीं होता है, तो इस प्रकार से आप डी भी काट सकते हो, और यहाँ पर क्या बचा आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो समझ में आया, बिफोर के पहले अगर फ्यूचर है तो बाद में प्रेजेंट परफेक्ट,
और अगर पहले पास्ट परफेक्ट है तो बाद में क्या होता है, सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। चलिए देखते हैं आगे। और जो आफ्टर होता है वो उसका अपोजिट होता है, तो उसमें भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है एवर सिंस रश्मिज पेरेंट्स डाइड, यानी जब से रश्मि के जो पेरेंट्स हैं वो मरे हैं। हर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स यानी उसके नाना नानी हैड डैश हर ऑल नीड्स, तो उसकी देखभाल कर रहे हैं सभी उसकी ज़रूरतों की, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सीन टू। सीन टू तो यहाँ पर आएगा, परफेक्ट आंसर रहेगा हमारा सीन टू, यानी किसी चीज़ की ज़रूरतों की देख रेख कर रहे हैं वे, तो यहाँ पर उस सेंस में हम यूज़ करेंगे सीन टू। सी थ्रू जो होता है वो समझने के लिए यूज़ करते हैं सी थ्रू का, तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा सी। चलिए आगे, यहाँ पर कुछ यहाँ पर आपको बताना है, सिनोनियम बताना है इनका सिमिलर मीनिंग में, ठीक है, यानी सिनोनियम बताना है। तो पहला शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर एपिटोम। एपिटोम का मतलब होता है सार या फिर सारांश, उस सेंस में हम यूज़ करते हैं। इसका आंसर एक ही है यहाँ पर, वो है ए यानी टाइप, ठीक है, तो टाइप यहाँ पर इसका आंसर है। नेक्स्ट है स्पूरियस। स्पूरियस का मतलब होता है नकली या कोई चीज़ बनावटी हो, है ना, फेक हो, फेक, तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा सी। फेक का मतलब भी क्या होता है, नकली, और स्पूरियस मीन्स नकली, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर इनविंसिबल। देखिए इनविंसिबल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको पराजित ना किया जा सके, यानी जिस पर विजय प्राप्त ना की जा सके उसको बोलते हैं इनविंसिबल, यानी एज ए कह सकते हैं आप इसको, यानी जिसको जीता ना, जिसको हराया ना जा सके, तो ये इसका मतलब होता है। और यहाँ पर है अनबीटेबल, डी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा, अनबीटेबल, जिसको हराया नहीं जा सके। नेक्स्ट है ट्रेपिडेशन। देखिए ट्रेपिडेशन जो शब्द बना वो बना ट्रेपिड, ट्रेपिड से, और ट्रेपिड का मतलब होता है डर, और ट्रेपिड का मतलब डर होता है, तो ट्रेपिडेशन का मतलब क्या हो गया, यानी मन में डर होना, यानी डरपन, या कह सकते हैं आप इसको घबराहट, है ना, और घबराहट के लिए यहाँ पर शब्द है नर्वसनेस, यानी नर्वसनेस। ट्रेपिडेशन का मतलब डरपन या फिर घबराहट, उसको बोलते हैं ट्रेपिडेशन, तो नर्वसनेस यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेस्ट्रल। वेस्ट्रल का मतलब होता है अपव्ययी, यानी फालतू का खर्च करने वाला, वेस्ट्रल, वेस्ट करने वाला फालतू का, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्पेंड थ्रिप्ट। इसका मतलब भी क्या होता है, अपव्ययी या फिर मतलब फालतू का खर्च करने वाला। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर पांच एंटोनियम बताने हैं आपको। तो सबसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ है शब्द एक्नोलेज। एक्नोलेज का मतलब होता है स्वीकारना, तो स्वीकारने को बोलते हैं एक्नोलेज, और ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर डिनाई करना, यानी किसी चीज़ को मतलब नहीं स्वीकारना, इसका मतलब ये होता है डिनाई करना, मतलब किसी चीज़ को न स्वीकारना, अस्वीकार करना। नेक्स्ट है अबस्टेन। अबस्टेन का मतलब होता है परहेज करना किसी से, किसी चीज़ से या किसी चीज़ से दूर रहना, उसको बोलते हैं अबस्टेन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ए यानी परस्यू। परस्यू मीन्स होता है किसी चीज़ का पीछा करना। देखिए अबस्टेन मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ से दूर रहना, परहेज करना, लेकिन जो परस्यू होता है उसका मतलब होता है किसी चीज़ का पीछा करना, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बारबेरस। बारबेरस का मतलब होता है असभ्य, यानी जो असभ्य हो, क्रूअल हो, उसको बोलते हैं बारबेरस, तो इसका जो आंसर हो जाएगा एंटोनियम वो हो जाएगा सिविलाइज्ड, यानी सभ्य। सिविलाइज्ड का मतलब क्या हो गया, सभ्य। नेक्स्ट है कैलो। तो कैलो का मतलब क्या होता है, देखिए कैलो मीन्स होता है अनुभवहीन या फिर कच्चा, उस सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं कैलो को, और इसका जो आंसर यहाँ पर रहेगा वो होगा सोफिस्टिकेटेड, यानी डी आंसर रहेगा यहाँ पर सोफिस्टिकेटेड। नेक्स्ट है यहाँ पर यूलोजिस्टिक। देखिए यूलोजी का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, यानी किसी की तारीफ करना, अच्छे शब्द का यूज करना किसी के लिए, और जो यूलोजिस्टिक की अगर मैं बात करूँ यानी प्रशंसात्मक, इसका मतलब होता है यूलोजिस्टिक, और इसकी अगर मैं एंटोनियम की बात करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा एंटोनियम हमारा क्रिटिकल। क्रिटिकल यहाँ पर, यानी क्रिटिकल का मतलब आलोचनात्मक, तो यूलोजिस्टिक का मतलब हो जाएगा क्रिटिकल, मतलब नहीं एंटोनियम, यूलोजिस्टिक का एंटोनियम हो जाएगा क्रिटिकल यानी आलोचनात्मक, ठीक है, प्रशंसात्मक का एंटोनियम आलोचनात्मक। चलिए लास्ट में ईडियम्स और देख लेते हैं यहाँ पर, एट वेरियंस विद।
तो इसका मतलब होता है इन अपोजिट, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, इन अपोजिट। नेक्स्ट है ए स्नेक इन द ग्रास, देखिए एक स्नेक इन द ग्रास यानी घास में है, एक सांप घास में है, इसका मतलब क्या है, वो छुपा हुआ है। छुपा हुआ से मतलब क्या है कि एक ट्रेचरस पर्सन है यानी धोखेबाज, तो उस सेंस में हम यूज करेंगे ए स्नेक इन द ग्रास का मतलब धोखेबाज, छुपा हुआ दुश्मन। नेक्स्ट है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इसका मतलब होता है अचानक से, अनएक्सपेक्टेड, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ पर आंसर, ए सडन कैलेमिटी, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, तो आगे और हैं यहाँ पर दो idioms लिखे हुए, क्राई इन द wilderness, तो यहाँ पर बताना है आपको, देखिए wilderness का मतलब होता है मतलब जहाँ पर उजाड़ हो, जहाँ पर कोई भी मतलब जनसंख्या ना रहती हो, जहाँ पर बंजर हो चीज़ें, उसको बोलते हैं wilderness। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनपॉपुलर ओपिनियन, इसका जो आंसर हो जाएगा अनपॉपुलर ओपिनियन। तो क्राई इन द विल्डरनेस मतलब एक ऐसी जगह में चिल्लाना जहाँ पर कोई ना हो, तो उसका मतलब क्या है कि आपका जो जो ओपिनियन है वो क्या है, पॉपुलर नहीं होगा यानी अनपॉपुलर ओपिनियन रह जाएगा आपका। नेक्स्ट है ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ इसका मतलब होता है की कगार पर, यानी इसका आंसर हो जाएगा टू बी नियर टू, यानी की कगार पर होना। जैसे अगर मैं कहता हूँ ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, इसका मतलब क्या है कि नष्ट होने की कगार पर, है ना, तो ब्रिंक ऑफ मींस कगार पर, किनारे पर, ऑन द ब्रिंक ऑफ, यानी आंसर हो जाएगा बी। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे इस प्रकार, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।